इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से आ रही है, जहाँ पर जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और आपको बता दें खंडवा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के खिलाफ जो है FST ने जो है शिकायत की, जिसके बाद में जो है नौरा चौकी के अंदर जो है अरुण यादव और जो कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ जो है 188 के तहत जो है मामला दर्ज किया है, जिसकी पुष्टि खुद बुरहानपुर SP देवेंद्र पाटीदार ने जो है पुष्टि की है। तो बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से आप देख रहे हैं, खबर के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है अरुण यादव और कांग्रेस प्रत्याशी जो है प्रचार कर रहे थे, जिसके बाद में जो है ये शिकायत FST की टीम ने जो है नावरा चौकी में की और फिर पुलिस ने जांच के बाद में जो है मामला दर्ज किया है। चूँकि इलेक्शन को देख के FST की टीमें फील्ड में सक्रिय हैं, FST की टीम के द्वारा थाना नेपा नगर पे एक आचार संहिता उल्लंघन का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। उनकी रिपोर्ट पर नेपा नगर में एक आचार संहिता उल्लंघन को दृष्टि रखते 188 व धार्मिक संस्थाओं का दुरुपयोग निवारण अधिनियम के अंतर्गत एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जैसे मुख्य रूप से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके और जो अरुण यादव जी हैं उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध।